खंडवा के हरसूद रोड पर दिन दहाड़े बाइक सवार नकाबपोशों ने सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। घटना हरसूद थाना क्षेत्र के आशापुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम रजूर के पास घटित हुई, जब सब इंस्पेक्टर अपनी बाइक से खंडवा की ओर लौट रहे थे। घायल सब इंस्पेक्टर को कार सवार राहगीर ने खंडवा जिला चिकित्सालय पहुंचाया। सब इंस्पेक्टर के अग्रवाल वर्तमान में बुरहानपुर जिले के अजाक थाने में पदस्थ हैं, जो पूर्व में एटीएस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एटीएस में रहते हुए सब इंस्पेक्टर के अग्रवाल ने सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व में भी खंडवा जिले के बुधवारा बाजार में सब इंस्पेक्टर के अग्रवाल पर सिमी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसमें किसी तरह भागकर अग्रवाल ने अपनी जान बचाई थी। सब इंस्पेक्टर को कमर के निचले हिस्से में गोली लगी है, जिनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शी राहगीर जो अपनी कार से घायल सब इंस्पेक्टर को खंडवा जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचा, उसने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। आ रहा था अपना कहाँ से? हरसूद से आ रहे थे। घटना कहाँ की है? ये खेड़ी और रजूर के बीच। कितने लोगों ने गोली मारी है? वो दो लोग थे बाइक पे। अच्छा, लोग चले आ रहे थे, आगे सर थे और अच्छा। उसके पीछे एक बाइक थी। अच्छा, लोग दो लोग कार में थे। दो लोग आप बाइक पे आ रहे थे कि कार में आए थे? कार में। हाँ। आप कार में थे तो दो बाइक पे थे? दो बाइक पे। नकाबपोश थे कि बिना? ब्लैक कलर का थे, ब्लैक कलर का जर्कन पहने हुए, नकाब पहना हुआ था, खुला हुआ था। पीछे से थे हम लोग तो। अच्छा, बैक साइड से आपकी आंखों के सामने गोली मारी? हम लोगों ने सर को देखा कि गिरे हैं, हम लोग समझे कि ऐसा नहीं धक्का मारा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, उठाया सर को, बिलेट वहाँ डाला, मैंने कहा सर लगी है क्या आपको? तो हम लोगों ने देखा, बोले देखना इधर, तो बेल्ट के अंदर से सेता, बोले सर ने फिर बताया, बोले गोली मारी हम। अच्छा, हमने कहा यार ऐसा करो, हमारी कार में लेके आया। घटना की खबर लगते ही खंडवा पुलिस के आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुँचे, जिन्होंने घायल के बयान दर्ज किए। एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि बुरहानपुर जिले के अजाक थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के अग्रवाल अपने बेटे अमन अग्रवाल की शादी के सिलसिले में पिछले 15 दिनों से अवकाश पर है और विवाह पत्रिका बांटने के सिलसिले में हरसूद में गए थे। वापस लौटे वक्त अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। जब इस घटना के पीछे सिमी संगठन का कोई लिंक होने की बात मीडिया ने एडिशनल एसपी से पूछी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नकार दिया। के अग्रवाल सब इंस्पेक्टर एजे के प्रभारी बुरहानपुर में है, जो 15 दिन एसपीएल पर अपने पुत्र के लिए पत्रिका बांटने के लिए आए थे। खंडवा में उनका निवास है सिविल लाइन में। वे सुबह सुबह पत्रिका लेकर हरसूद क्षेत्र में गए थे बांटने के लिए। हरसूद में कुछ जगह उन्होंने पत्रिका बांटकर जब वापस आ रहे थे तो मयूर एक ढाबा है वहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो दोपहर में वापस आ रहे थे तो अज्ञात बदमाश ने पीछे से मोटरसाइकिल से आकर उनके हिप के वहाँ पर जॉइंट पर गोली चलाई और उनको हिप में इंजुरी है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अभी कैसी स्थिति है? अभी अच्छी स्थिति है सर। सीपी से जो जुड़ा है क्योंकि इससे पूर्व में एक बार जुड़ा नहीं, नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं जुड़ा है और ना ऐसी कोई बात सामने आई है। क्या संभावना? अभी तो 5 मिनट ही हुआ है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जारी रहेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। खंडवा से अनंत माहेश्वरी की रिपोर्ट।